हाँ जी बेटा, क्या डाउट है आपके? व्हाट इज ब्लैक फंगस? शालीन, सक्षम एंड अंकित, आप तो डिस्कशन कर रहे थे क्या ब्लैक फंगस के बारे में? कुछ नहीं है, आजकल बस यही तो चल रहा है। क्या हो रहा है कि जो कोविड के पेशेंट है आजकल जो आ रहे हैं, उनमें उनकी बॉडी में हमको ये ब्लैक फंगस भी मिल रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस है इसका नाम, और म्यूकोरमाइसीट्स, म्यूकोरमाइकोसिस कुछ भी बोल लो उसको, ब्लैक फंगस नाम है इसका। वैसे तो अदरवाइज तो ये पहले से ही था एनवायरनमेंट में, ज्यादातर जैसे सड़ा हुआ गला हुआ जो खाना होता है, या जो खराब खाना होता है, या जो पुराना बहुत पड़ा हुआ खाना होता है, उसमें हमको ये ज्यादा मिलता है। और अदरवाइज तो ये शुरू से ही था, बट इतना कुछ हमको इफेक्ट नहीं हुआ था इससे, बिकॉज अपना इम्यून सिस्टम इस लायक तो था कि इसको झेल पाए। इवन इफ ये फंगस हमारे नॉर्मली, अगर हमको कोई बीमारी नहीं है, तो अगर नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ये एंटर कर रहा था, तो हम आराम से इसको फाइट बैक कर पा रहे थे, बिकॉज अपना इम्यून सिस्टम ठीक ठाक था, मतलब है। बट अभी क्या हो रहा है, जो कोविड वाले पेशेंट है उनका इम्यून सिस्टम आपको पता है बहुत वीक हो रहा है, या बहुत वीक है। तो इस वीक इम्यून सिस्टम की वजह से ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है, जो पहले हम लोग इग्नोर कर रहे थे या पहले हम लोग इससे बच रहे थे, अभी ये भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या है, वो वैसे ही कोविड का पेशेंट है, इम्यूनिटी वैसे उसकी वीक है, ऊपर से ये और इन्फेक्शन अब देखा जा रहा है उनकी बॉडी, पेशेंट्स की बॉडी में। प्रोटीन खाना या इन सब की वजह से ये ज्यादा हो रहा है। और हाँ बस, ज्यादा वैसे तो कुछ इतना डेडली तो है नहीं है, मतलब नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में आता है, ऐसे गंदा बंदा खाना तो खाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं हम, ठीक है, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब तो चलता ही रहता है, तो उसमें तो कुछ नहीं होता। बट हाँ, कोविड वाले पेशेंट में क्या है, वो उसमें थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, हो सकता है ब्रेन पे भी इफेक्ट हो जाए, इन्फेक्शन ब्रेन तक चला जाए। तो ये तो बस वही जो पेशेंट आए हैं ना, उनका हिस्ट्री देख के ही बताया है कि ज्यादातर जो ये है, इट इज सीन इन कोविड पेशेंट, एंड अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं उसमें इसका कुछ पता नहीं चलता, बिकॉज वी कैन फाइट इट बैक, ठीक है। वेरियंट्स होते हैं बेटा कोई भी, जैसे अभी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी ऑफ एनी सॉर्ट, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, अब वो क्या होते हैं, दे ट्राई टू डेवलप देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, टू अडैप्ट इन द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है कि धीरे 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 वो म्यूटेशन शो करने लग जाते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को हल्का हल्का चेंज कर देते हैं, जिससे वो वेरियंट बन जाता है, ठीक है। वही वही चीज़ हम इस वक्त सफर कर रहे हैं, वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस अभी हम सफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक। तो वेरिएंट्स मतलब कोई भी चीज व्हिच हैव टर्न्ड इटसेल्फ टू समथिंग एल्स टू अडैप्ट इन द एनवायरनमेंट। सिम्टम्स होते बेटा ये आप व्हाई डू वी फॉल इन में पढ़ेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स, बहुत इजी है इसको समझना। देखो अंकित, जैसे मान लीजिए आपको है पेट में दर्द और आपको है सिर में दर्द, मान लो, और साथ ही साथ आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, ठीक है। तीन आपको चीजें मैंने बताई, पेट में दर्द, सिर में दर्द और आंखों से पानी आ रहा है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सबसे पहले तो आपका फिजिकल लुक चेक करेगा, ढीला तो नहीं है या वीकनेस तो नहीं है, वो चेक करेगा। फिर आपकी आंखों से पानी आ रहा है, वो चेक करेगा। फिर उसने ये देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, ये जो वो ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो उसको दिख रहा है, उसको हम साइन बोलते हैं, साइन ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। और फिर वो आपसे पूछेगा, अब बताओ क्या दिक्कत है। फिर आप बोलोगे मुझे सिर में दर्द है और मुझे पेट में दर्द। अब इस सिर में दर्द और पेट में दर्द डॉक्टर को दिखेगा नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो देख नहीं सकते डॉक्टर्स या नेक्स्ट पर्सन, वो सिम्टम है, जो देख पा रहे हैं वो साइन है। फॉर एग्जाम्पल लेप्रोसी होता है, कोढ़ पड़ जाता है, जो उसमें फिंगर्स जो है वो गायब होने लग जाती है, या बहुत सारे ऐसे कुंतियाँ टाइप होने लग जाती है, वो साइन है, वो हमको दिख रहा है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, वो सिम्टम, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम, देर आर लॉट्स ऑफ वेरियंट्स ऑफ कोविड, दिव्यांश, लॉट्स ऑफ वेरियंट्स। यूके वेरियंट आया था, अभी इंडिया वेरियंट है, और तो आते रहते हैं वेरियंट्स, तो बहुत सारे आते रहते हैं। यूएस वेरियंट है, यूके वेरियंट है, इंडिया वेरियंट है, बहुत सारे, और इंडिया में एक और वेरियंट भी आ सकता है दोबारा। एंड अभी आपको, अच्छा कल आपकी क्लास नहीं थी, तो अभी कह रहे हैं शायद थर्ड वेव भी आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास। तो वो बच्चों 18, बिलो 18 एज ग्रुप जो है उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो एस्टिमेट लगाया गया, और एस्टिमेट हम सोच समझ के लगाते हैं। तो प्लीज बी सेफ, ठीक है ना, घर में रहो।
और ज्यादा इधर उधर ट्रैवलिंग मत करो, कुछ भी हो जाए ट्रैवलिंग मत करो, ठीक है? जस्ट अगर बहुत इमरजेंसी है तभी बाहर जाना, ठीक है? पहला डोज जो होता है तेजस, तेजस है ना, क्या नाम है, तेजस, तेजस दो डोज इसलिए लगते हैं, पहले डोज जब लगाएंगे तो अपने बॉडी को कुछ कुछ हलचल महसूस होगी। अच्छा, ये तो हमने डेड कोरोना वायरस बॉडी में डाल दिया, अब हमको इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है, जिसको टाइम लगेगा, ठीक है? इसलिए नेक्स्ट डोज 28 to 35 days के बाद लगाते हैं। तो पहला तो आया तो बॉडी को कुछ कुछ बस लगा कि हाँ ठीक है, इसके खिलाफ मुझे एंटीबॉडीज बनानी, ठीक है? अभी पहचान ही रही है बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड डोज इसलिए लगाते हैं क्योंकि बॉडी अब ऑलरेडी पहचान चुकी है, और सेकेंड डोज के बाद अब ज्यादा इंटेंसली एंटीबॉडीज बना सकती है, क्योंकि वो पहले पहचान चुकी थी उसको कि हाँ अरे ये तो वही है जो दोबारा आ गया, ठीक है? तो बस ये वही है जो दोबारा आ गया, तो उसको उसके खिलाफ हमको पता क्या करना बॉडी, तो इसलिए दो डोज लगाई जाती है टू फॉर बेटर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? यस, वेरिएंट मींस अपडेटेड वर्जन, अल्ट्रा मैक्स प्रो वर्जन, ठीक है? इवन इन्फ्लुएंजा जो है बेटा, इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो वायरल डिजीज, और उसमें क्या होता है, फ्लू बोल देते हैं जिसको, बर्ड फ्लू वगैरह, वही है ये। मैम ने वैक्सीन अभी नहीं लगवाई, मैम का नंबर नहीं आ रहा वैक्सीन लगवाने का, मैम का स्लॉट ही बुक नहीं हो रहा, नो वैक्सीन अवेलेबल एट ऑल इन माई एरिया। तो लेट्स सी, रोज चेक तो करते हैं हम लोग स्लॉट बुकिंग का, नेक्स्ट वीक कब लगती है, बट अदरवाइज बाकी सब ने लगवा लिया। यू शुड ऑल्सो, 18 below 18 भी वैक्सीन आएगी बहुत जल्दी, लगवा लेना सब, ठीक है? दिव्यांश, आई टोल्ड यू, इन इंडिया, इन इंडिया आई थिंक अभी तक तो एक ही मिला बेटा, एक दो ही मिला है। डोंट टेल मी अंकित, आई नो व्हाट टू डू, आई हैव डाउनलोडेड एवरीथिंग, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर एवरीथिंग, बट क्या होता है अंकित, उसमें स्लॉट बुक करना होता है, कि जब डोज अवेलेबल होती है ना किसी सेंटर पे, तो अपने आप मैसेज आ जाता है आपके पास, आ जाओ डोज लगवा लो, या तो आप अलग से जाके उस स्लॉट को बुक करो, तो स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पा रही बिकॉज डोज इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं, इंजेक्शन ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है, कहाँ से लगवाएंगे? ओके चलिए, बहुत हो गया, अब आधी डॉक्टरी कर ली आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आर एनिमल टिश्यूज, ठीक है? लास्ट टाइम बच्चे हमने कर लिया था समरी ऑफ एनिमल टिश्यूज, है ना, पूरा चैप्टर का हमने समरी कर लिया था, और साथ ही साथ हमने स्टार्ट कर दिया था एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओके? बोर्ड का क्या चक्कर हो रहा है, कोई स्टेशनरी की शॉप खुली नहीं है बिकॉज स्टेशनरीज एसेंशियल में नहीं आते, तो लॉकडाउन है यहाँ तो 17 तक, नो स्टेशनरी शॉप इज अवेलेबल, अभी जो मेरे पास मार्कर है उसमें इंक खत्म है, तो आई हैव टू वेट। ओके, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम कि पूरा एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू में क्या क्या आएगा, ठीक है? वी स्टार्टेड विद एनिमल टिश्यूज, और एनिमल टिश्यूज में हमने पढ़ा कि भैया अपनी बॉडी का जितना भी चीज है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिश्यू, वेदर इट इज ब्लड वेसल, वेदर इट इज एनी ऑर्गन, वेदर इट इज स्किन, कुछ भी है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू, ठीक? सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज द आउटर मोस्ट, ठीक है? ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, कहीं पे भी बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, एकदम इक्वल सेल की शेप साइज सब इक्वल, सारे सेल्स जो होते हैं बहुत टाइट 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 अरेंज होते हैं, मतलब कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटर सेलुलर स्पेस क्या पढ़ा था, मान लीजिए दो सेल है, ये दो सेल के बीच की ये जो जगह आपको दिख रही है, दिस इज इंटर सेलुलर स्पेस, सेल के अंदर की जो स्पेस होती है उसको हम इंट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें हमने क्या कहा, दैट देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है? एपिथीलियम में हमने पढ़ा कि इफ दिस इज द एपिथीलियम व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन इट इज रेस्टेड अपॉन अ मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमने क्या पढ़ा था, दैट देयर इज प्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी हो कुछ भी हो, एनी कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज की लेयर, फैट की लेयर, कुछ भी हो, कोई भी तरह का कनेक्टिव टिश्यू उसके नीचे होगा, और उसके नीचे फिर फाइनली आपका आता है कोई ना कोई
मसल, एनी टाइप ऑफ मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, कोई भी मसल, ये उसका पूरा अरेंजमेंट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम अबव टू बिलो। ठीक, इसमें हमने पढ़ा कि बिकॉज इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री, देयरफॉर आपके ऑर्गन्स को कवर करने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। जितना भी आपका ऑर्गन है उसको कवर करने का काम कौन करेगा? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट थिंग, बिकॉज इट इज कवरिंग योर ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन, सारे के सारे बल्कि ऑर्गन, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन ऑफ योर ऑर्गन्स, प्लस ऑल्सो हेल्पिंग इन गिविंग देम सपोर्ट। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज डिस्टिंग्विशिंग टू डिफरेंट ऑर्गन, क्योंकि इट इज कवरिंग ऑर्गन्स ना, राइट, लाइक दिस, तो दो ऑर्गन्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड रख रहा है, अलग अलग रख रहा है, कौन? एपिथेलियल टिश्यू की लेयर। मिलेगा कहाँ पे आपको? स्किन में मिलेगा आपको, आपको माउथ, जो इनर माउथ है आपका उसकी लाइनिंग पे मिलेगा, आपके जो ऑर्गन्स है उनकी कवरिंग पे मिलेगा, जैसे किडनी, लंग्स, इन सब में मिलेगा। ठीक है, इवन आपका जो नेफ्रॉन होते हैं जो किडनीज के अंदर मिलते हैं, जो ब्लड ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं, उन नेफ्रॉन की भी कवरिंग में आपको ये मिलेगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा कि व्हाई इज इट एसेंशियल, बिकॉज जो एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है उसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए है ना, और तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स या ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से मिलेगा? उसके पास, अपने पास तो कुछ ब्लड वेसल है नहीं। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई है वो तो कनेक्टिव टिश्यू ही देगा ना कहीं से। ठीक, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज हेल्पिंग द एपिथेलियल टिश्यू टू गेट न्यूट्रिएंट एंड ब्लड सप्लाई एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द अंडरलाइंग लेयर्स। ठीक है, देन आज हमने पढ़ना है कि ये जो एपिथीलियम होता है, मान लीजिए दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द एपिथीलियम। ठीक है, ये मैंने एपिथीलियम बना दिया। कई बार क्या होता है कि ये एपिथीलियम शोज सम प्रोजेक्शंस, आउटवर्ड्स प्रोजेक्शन लाइक दिस, इस तरह के प्रोजेक्शन शो करती है। एवरी सेल इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब सम सॉर्ट ऑफ आउटग्रोथ, आउटग्रोथ मतलब कोई भी चीज जो बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है, ये दो तरह की आपको आउटग्रोथ या मॉडिफिकेशन दिखा सकती है, दैट इज माइक्रोविलाय एंड सीलिया। माइक्रोविलाय और सीलिया, दो तरह की मॉडिफिकेशन आपको मिल सकती है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब लेट्स सी कि इनका काम क्या होता है। ओके, माइक्रोविलाय जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, कि वो मूव नहीं कर सकते, they will just be present as they are. जैसे मान लीजिए this is a cell, ये एक कोई epithelial cell है, उस epithelial cell के ऊपर इस तरह से आपके microvilli present है, और ये बस ऐसे के ऐसे खड़े रहेंगे, present रहेंगे, इनका काम movement में नहीं होगा, ये इस तरह से movement show नहीं करेंगे। जो cilia होता है वो highly motile होता है, आपको पता है cilia and flagella are highly motile, तो सीलिया जो होगा दैट विल बी वेरी मोटाइल, बहुत मोटाइल होगा, बहुत अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन होगी इसमें, जिसकी वजह से द सीलिया कैन मूव हेयर एंड देयर, मूवमेंट शो कर सकता है। ठीक है, माइक्रोविलाय बिकॉज इट इज नॉट शोइंग मूवमेंट, तो ऑब्वियसली ये किसी ऑर्गन में या किसी बॉडी की मूवमेंट में तो हेल्प नहीं करेगा, बट इट विल बी हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कैसे? बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ये ले लो आप, दिस इज अ कट पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कट पोर्शन यहाँ पे मैंने बना दी। ठीक है, ये इसका अंदर वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, दिस, ओके, हमने क्या देखा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोल देते हैं विलाय। क्या बोल देते हैं? विलाय। विलाय का काम क्या होता है? इधर जो भी फूड आ रहा है उस फूड में से एसेंशियल चीजों को इसने एब्जॉर्ब कर लेना है, और इसके आसपास प्रेजेंट होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है, कैपिलरीज, और उस एब्जॉर्ब्ड फूड को लेकर ये किसमें ट्रांसफर कर देता है? ब्लड में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है इसमें सबसे ज्यादा। ओके, पहले जो भी खाना आ रहा है उसको डाइजेस्ट करवा के उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे दिया इन विलाय। जब हमने बहुत गौर से स्टडी किया इन विलाय को, तो हमको पता चला दैट दीज विलाय कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ सेल्स ऑन द टॉप।
ये सेल्स अगर हम थोड़ा सा जूम करके डिटेल में देखें, इफ दिस इज अ विलाय, तो इस विलाय के ऊपर इस तरह से हमने बहुत सारे एपिथीलियम की लेयर देखी, और ये एपिथीलियल के जो सेल्स थे उनके ऊपर इस तरह से मॉडिफिकेशंस हमने देखी. दीज मॉडिफिकेशंस वर नोन एज माइक्रो विलाय. ये क्या था? दीज वर विलाय. और ये एक एक आपको क्या दिख रहा है इसके ऊपर? दिस इज माइक्रो विलाय. ठीक है, माइक्रो विलाय कहाँ दिख रहा है? ये एक एपिथीलियल सेल का स्ट्रक्चर है, और उस एपिथीलियल सेल के ऊपर आपको इस तरह से आउटग्रोथ दिख रही है. इस तरह से पूरी विलाय को कवर किया होता है एपिथीलियम की लेयर ने, एपिथीलियल सेल्स ने, और उन एपिथीलियल सेल्स के ऊपर आपको बहुत सारी इस तरह से मॉडिफिकेशंस दिखती हैं. इस तरह से ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इनको हमने क्या बोल दिया? माइक्रो विलाय. एंड बिकॉज आपको पता है कि जो विलाय है दैट वाज हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसको एब्जॉर्ब करके वो किस में दे रहा था? ब्लड वेसल में, राइट? उसी तरह से ये जो माइक्रोविलाय है दैट विल हेल्प इन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक, पहले कैसे हो रहा था? पहले खाली जो विलाय है वो एब्जॉर्ब कर रही थी और ब्लड में दे रही थी. अभी आप सोचो कि जो फूड इतने सरफेस एरिया से एब्जॉर्ब हो रहा था, अब वही फूड इतने सरफेस एरिया से एब्जॉर्ब हो रहा है, देख रहे हो आप? तो मतलब सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज. जो पहले बस इतने सरफेस एरिया से एब्जॉर्ब हो रहा था, अभी इतना सारा सरफेस एरिया उसको मिल गया टू गेट एब्जॉर्ब, मतलब फूड को ज्यादा समय मिल गया एब्जॉर्प्शन के लिए, और फिर उस फूड को एब्जॉर्ब करके हम किसी ब्लड वेसल में डाल देंगे. ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोविलाय जो होता है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? अभी बताया मैंने, इनर वॉल, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, साथ ही साथ आपका जो लिवर है, लिवर के अंदर एक बैग लाइक ऑर्गन होता है, दैट बैग लाइक ऑर्गन इज नोन एज गॉल ब्लैडर. सुना होगा आपने, इसको गॉल ब्लैडर बोल देते हैं हम. जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी भी जो इनर लाइनिंग है उसमें आपका क्या मिलेगा? आपको बहुत सारे माइक्रो विलाय, उसमें भी आपको बहुत सारे माइक्रो विलाय मिलेंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ठीक है, दूसरा कहाँ मिलता है आपको? इनर वॉल ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन कहाँ मिलते हैं आपको? नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन साइड दी किडनीज. किडनीज में कहाँ प्रेजेंट होते हैं अभी देख लेंगे हम, डायग्राम आएगा नीचे. उसके भी जो इनर वॉल है उसमें भी क्या होता है? माइक्रोविलाय आर प्रेजेंट. कैसे? सी कहाँ होता है पहले नेफ्रॉन, ये बता देती हूँ. ये आपकी किडनी है. ठीक है, किडनी को काट दो बीच में से, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले लो किडनी का, काटो. बीच में आपको बहुत सारे ट्राइंगल 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 दिखते हैं, इनको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं क्योंकि ये पिरामिड शेप के हैं. उस रीनल पिरामिड में आपको ये लाइंस दिख रही है, ये वाली, ये जो एक 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 लाइन है ना, दिस वन लाइन इज नोन एज नेफ्रॉन. और आपका जो भी ब्लड आएगा वो इस नेफ्रॉन में जाएगा, उस नेफ्रॉन से फिल्टर होगा, फिल्टर होके जो यूरिन बना है फिर वो यूरिन हम किस में डाल देंगे? इस स्पेस में. उस यूरिन को यहाँ डालने के बाद इधर डाल देंगे यूरेटर में, यूरेटर में डालने के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर. ठीक है, तो नेफ्रॉन का लोकेशन ये था. और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इस तरह का, वो जो एक लाइन आपने देखी ना उस पिरामिड में, वो एक लाइन ऐसी दिखती है. ठीक है, तो उस एक लाइन में हमने क्या बोला? दैट इन द इनर लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन वी हैव माइक्रोविलाय. तो मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा? इधर यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से लॉट्स ऑफ माइक्रोविलाय आर प्रेजेंट इन साइड द इनर लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, ऑब्वियसली इनर लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का लाइनिंग है दैट विल बी मेड बाय एपिथीलियल टिश्यू, राइट? उसके अंदर आपका बहुत सारा माइक्रोविलाय प्रेजेंट है इस तरह से. ओके, सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन ऑन माइक्रोविलाय. नेक्स्ट आता आपका सिलिया. सिलिया में हमने कहा कि भैया ये तो मोटिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है और बहुत ज्यादा हाईली मोटाइल है. ठीक है, तो इसका मेन काम जो होगा वो एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन में तो नहीं होगा, इसका जो मेन काम होगा दैट विल बी इन द मूवमेंट ऑफ समथिंग. किसी चीज को मूव कराने में इसका काम होगा, चाहे वो कंप्लीट. व्हाट हैपेंड बेटा?
व्हाट हैपेंड? व्हाई मैम? बताओ क्या प्रॉब्लम है? कौस्तव जस्ट वेट, ओके कौस्तव वेट, एक बार टॉपिक खत्म होने दो, देन आस्क डाउट, डोंट राइट इन बिटवीन, दिस इज नॉनसेंस, ओके यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, ओके सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ एंड अभी जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आप डाउट पूछ लेना, ठीक है? हाँ जी, क्या क्या दिक्कत है आपको? प्रयाश, प्रयाश क्या नाम है आपका? प्रयाश फोगाट। हाँ जी, क्या नहीं समझ आया बताओ प्रयाश, फटाफट बताओ, देन आई विल बी ओपनिंग स्क्रीन अगेन। नो डाउट, चलो एंड आप लोग क्लास के टाइम से पहले डोंट लीव, ओके अटेंडेंस लगता है आपका एंड देन यू विल सफर, इफ यू आर एब्सेंट इन द क्लास फॉर एनी रीजन यू विल सफर, पेरेंट्स को फोन हो जाएगा, ऐसे डांट खाओगे फिर फालतू में। चलिए, तो सीलिया जो होता है दैट इज हेल्पिंग इन मोटिलिटी, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में तो इसका ज्यादा काम है नहीं, अभी एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में ज्यादा काम नहीं है, तो इसका मेन काम होगा इन द मूवमेंट ऑफ समथिंग, आइदर इन द मूवमेंट ऑफ कंप्लीट बॉडी और आइदर इन द मूवमेंट ऑफ सम फ्लूइड, किसी फ्लूइड के मूवमेंट में हेल्प करवाएगा या किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करवाएगा, जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम के बाहर पूरा सीलिया 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 इतना सारा होता है ना, दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इट हेल्प इन द कंडक्शन और मूवमेंट इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है ये? इट इज प्रेजेंट इन साइड द फेलोपियन ट्यूब। अब वेयर इज दिस फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें होता है एक यूट्रस, यूट्रस में जहाँ बच्चा बनता है, फिर वहां से बच्चा बाहर निकलता है, वॉम्ब भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में बच्चा दानी बोल देते हैं, तो यूट्रस होता है और उस यूट्रस से ऊपर ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, और यूट्रस के साइड में ऐसे कान जैसा ओवरीज प्रेजेंट होते हैं पेयर में, ठीक। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको क्या मिलता है? सीलिया। कैसे मिलता है? इस तरह से, इस तरह से लगा होता है सीलिया पूरी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ऐसे, ठीक है। अगर यहां से इस ओवरी में से हमने एग निकाला और उस एग को हमको इसमें भेजना है तो वो इस सीलिया के थ्रू फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, सीलिया के थ्रू वो एग जो है वो इधर जाएगा, ओके। तो सीलिया आर प्रेजेंट इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टिनल वॉल, इनसाइड द गॉल ब्लैडर, इनसाइड द नेफ्रॉन, और सीलिया कहाँ प्रेजेंट है आपका? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ होती है फेलोपियन ट्यूब? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इन ह्यूमन बींग, ठीक है। प्लस साथ ही साथ सीलिया कैन ऑल्सो बी सीन, बहुत अच्छा खासा कैन ऑल्सो बी सीन इन द ट्रैकिया। अभी ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप के बारे में आपने सबने सुना है, राइट? जो विंड पाइप होती है उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? ट्रैकिया। उसके ऊपर आपका साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स बोलते हैं जिसको, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के नीचे आता है आपका विंड पाइप। विंड पाइप का पूरा जो एरिया होता है दैट इज कवर्ड बाय सीलिया, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो विंड पाइप में अगर आ गया तो सीलिया उसको बाहर फिंकवा दे, खांसी आ जाएगी, ठीक है, या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल है वो अगर अंदर आ गया तो उसको बाहर फेंकवा दे, वो सीलिया का काम होता है, ठीक है। तो सीलिया इज प्रेजेंट, वाइडली स्प्रेड प्रेजेंट इन साइड दी ट्रैकियल वॉल ऑल, ठीक। इस तरह से दिखता है आपका ओरिजिनली, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है आपका सीलिया का और माइक्रोविलाई का। सीलिया आप देख सकते हो इस तरह से मूवमेंट शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये सीलिया आपको दिख रहा है। माइक्रोविलाई आप देख सकते हो, ये एक एक एपिथीलियल सेल है और उन एक एक एपिथीलियल सेल पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इनमें, दीज आर माइक्रोविलाई, इनको माइक्रोविलाई बोला जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू के टाइप्स क्या क्या है वो पढ़ने हैं आपको, ठीक। तो सी बेसिकली तो अपने पास देखो तीन ही टाइप, ठीक, तीन टाइप कौन सा है? सिंपल एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम, तीन ही तरह के एपिथीलियल टिश्यू आपको पढ़ने हैं, सिंपल,
कंपाउंड एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है, स्टार्टिंग विद दी सिंपल एपिथीलियम, इट इज द टाइप ऑफ एपिथीलियम। ओके, एपिथीलियम क्या थी, आउटर मोस्ट लेयर, उसी का एक पहला टाइप आप पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंपल एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ एपिथीलियम विच इज सिंपल। सिंपल क्या मतलब, सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ठीक है। सिंपल का क्या मतलब है कि इस एपिथीलियम की बेचारी की बस एक ही लेयर होगी, ले दे ओनली वन लेयर। ओके, सो इट इज अ सिंगल लेयर्ड, ठीक, बहुत पतली डेलीकेट सी लेयर होती है इस एपिथीलियम की, बहुत बहुत डेलीकेट लेयर, बहुत पतली। तो इट इज हैविंग अ वेरी डेलीकेट लाइनिंग, डेलीकेट मतलब बहुत ही ज्यादा नाजुक, डेलीकेट होता है नाजुक, ठीक है। सिंगल लेयर होगी, बहुत ही नाजुक होगी, और सेल्स जो होते हैं दैट आर फ्लैटेंड विद न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड, सेल्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे, एकदम डेलीकेट, बहुत पतले पतले और फ्लैट इस तरह से, और बीच में आपको कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पड़ा हुआ मिल जाएगा, बिकॉज है तो सेल ही, तो न्यूक्लियस तो होगा ही, एपिथीलियल सेल है ना ये, तो न्यूक्लियस तो होगा इसमें, तो दिस इज द न्यूक्लियस, और बहुत पतला सा डेलीकेट सा सेल एक आपको दिखेगा, ठीक है। सेल आर हैविंग इररेगुलर बाउंड्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका क्वेश्चन भी है आपका मॉड्यूल में, अदरवाइज भी क्वेश्चन आ जाता है इनपे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथीलियल टिश्यू सेल्स आर हैविंग इररेगुलर बाउंड्री। इररेगुलर बाउंड्री से हमारा क्या मतलब है, अगर मैं कोई एपिथीलियल टिश्यू की लेयर ऊपर से आपको दिखाऊं और उसमें सेल्स आपको दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपको सेल्स दिख रहे हैं, तो आपको सारे सेल्स जो है वो सेम शेप के दिख रहे हैं, ठीक है, प्लस सारे सेल्स जो है वो बिल्कुल इक्वल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऑल दी सेल्स आर शेयरिंग इक्वल बाउंड्रीज विद ईच अदर। ऐसे सेल्स को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सेल्स विद रेगुलर बाउंड्री। अगर मैं आपको कोई सेल ऐसे सा बना के दूं, इस तरह से पूरी लेयर जो है सेल की वो बनी हुई है, ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, बाउंड्रीज आर नॉट रेगुलर, बाउंड्रीज आर इररेगुलर, हैविंग न्यूक्लियस इनसाइड लाइक दिस। अभी सेल जो है ऑल्दो बहुत डेलिकेट है, बहुत थिन है, बट द बाउंड्रीज आर नॉट रेगुलर, दे हैव इररेगुलर बाउंड्री, दीज आर नोन एज इररेगुलर बाउंड्री, और सिंपल जो एपिथीलियम है उसमें आपकी इररेगुलर बाउंड्री की मिलेगी। सबसे पहला टाइप का जो सिंपल एपिथीलियम आप पढ़ रहे हैं दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है। सिंपल एपिथीलियम के भी टाइप्स थे ना बहुत सारे, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनर, ठीक है, तो स्क्वैमस तो हमने पढ़ लिया, कैसे दिखेगा ऐसा सा, इररेगुलर बाउंड्रीज के साथ सेल होंगे, हैविंग न्यूक्लियस इन बिटवीन, और ये आपकी एपिथीलियल सेल है, एपिथीलियल सेल के नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे क्या होगा, मसल, इसमें भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो अब मेन बात आती है, आपके जितना भी टाइप ऑफ एपिथीलियम है उसमें तीन मेजर पॉइंट्स हैं, एक तो है उसका स्ट्रक्चर, दूसरा है उसका लोकेशन, और तीसरा होगा उसका फंक्शन। इन तीनों में से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, बस हर एक टाइप ऑफ एपिथीलियम में आपको, या किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू में आपको उसके स्ट्रक्चर पे, आपको उसकी लोकेशन पे और उसके फंक्शन पे, इन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कोई भी टिश्यू आप पढ़ोगे उसको इस तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ प्रेजेंट है, और उसका फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कैसा है, इररेगुलर बाउंड्रीज है, ठीक है। अब हम लोकेशन, लोकेशन मतलब दे आर फाउंड इन सेल्स, जैसे कि आपकी कोई आर्टरी है या वेन है, आर्टरी वेन की जो लाइनिंग है, वो जो लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। उसी तरह से आपके लंग्स में, मान लीजिए एक लंग है आपका, लंग्स में आपके ना बहुत सारे इस तरह से ट्यूब लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बोल देते हैं एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई है, अगर मैं एक बनाऊँ आपको, दिस इज वन एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई की लाइनिंग जो है That is also made up of simple squamous epithelium. दो चीज हो गई, एक क्या ब्लड वेसल की लाइनिंग, दूसरा होगा एल्वियोलाई की लाइनिंग, ठीक है। तीसरा हो गया, आप जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद that goes inside the esophagus,
जो ईसोफेगस है उसकी लाइनिंग भी इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, वो हो गई। नेक्स्ट आपके जो माउथ है, ठीक है, माउथ की जो इनर लाइनिंग है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। यहाँ यहाँ ये यह आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक, ये आपको दिख रहा है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम के सेल। देख रहे हो आप कितने डेलिकेट से पतले से सेल हैं विद इररेगुलर बाउंड्रीज हैविंग न्यूक्लियस इनसाइड। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। दो सेल्स के बीच में एक सीमेंट मटेरियल होता है जो दोनों सेल्स को आपस में पास पास जोड़ के रखता है। ठीक है, तो दैट सीमेंट इज शोन हियर। इस तरह से आपको ये ब्लड वेसल दिखाई हुई है कोई भी, और उस ब्लड वेसल में आप देख सकते हो इट इज कवर्ड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की लाइनिंग। ओके, चलिए, सो दिस वाज योर सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। ये सेम वही चीज दिखा रखी है, देखो ये सबसे आउटर मोस्ट जो है सिंपल स्क्वामस की लेयर है, ये ज्यादा ही रेगुलर बना दी बाउंड्री, इतनी रेगुलर नहीं होती। ठीक, नीचे आपको उसके मिल रहा है ये, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपको मिलेगा कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू का लेयर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के नीचे आपको कोई ना कोई मसल का लेयर मिल जाएगा। ओके, और ये वही सेम चीज आपको दिखाई हुई है कोई ब्लड वेसल, और उस ब्लड वेसल के अंदर ये जो आपको दिखा रखे हैं दीज आर योर आरबीसीज। ठीक है, और ये उसकी जो कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। ओके, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथीलियम को चलेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथीलियम। सेम है बेटा, एपिथीलियल लाइनिंग, एपिथीलियम, एपिथीलियम भी एक लेयर का नाम है, एपिथीलियल लाइनिंग भी एक लेयर का नाम है। ठीक है, बस बात यह है एपिथीलियम हम सिंगली लिख सकते हैं, एपिथीलियल अगर लिखते तो लाइनिंग लिखना पड़ेगा या एपिथीलियल लेयर लिखना पड़ेगा साथ। ठीक, और एपिथीलियम लिख लो तो लेयर और लाइनिंग लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर वाला क्या बताना बेटा? अच्छा, नेफ्रॉन वाला। ओके, मोस्टली सेल्स हैव रेगुलर बाउंड्रीज बेटा, ट्यूश। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या समझना है प्रयास, ये माइक्रोविलाय वाला क्वेश्चन वो समझना आपको कि माइक्रोविलाय नेफ्रॉन में कहाँ प्रेजेंट होते थे, वो समझना आपको, यस और नो? ओके, ठीक है, बता दीजिए एक बार। हमने पढ़ा, स्टॉप राइटिंग थोड़ी देर के लिए। इफ दिस इज अ किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर देखो होते हैं प्रयाश बहुत सारे ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोल देते हैं रीनल पिरामिड। हर रीनल पिरामिड के आप पे आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऐसी लाइंस दिखती है। इन एक एक लाइन को हम लोग बोल देते हैं बेटा नेफ्रॉन। अगर हम इस नेफ्रॉन को जूम करके देखें तो हमको दिखेगा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह का हमको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक, क्या होता है कि इस नेफ्रॉन की जो लाइनिंग है उसके अंदर आपको इनर लाइनिंग पे बहुत सारे इस तरह से माइक्रोविलाय मिल जाते हैं, एंड दोज माइक्रोविलाय आर बेसिकली फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्योंकि जब आप आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में, कि जब हम ब्लड से, ब्लड को ही तो फिल्टर करके यूरिन बना रहे हैं, तो ब्लड से जब हम यूरिन को बनाते हैं तो हमें उस ब्लड में से बहुत सी चीजें वापस खींच लेनी होती हैं, और बहुत सी चीजें हमको इस फिल्ट्रेट में या इस के अंदर डालनी होती है ताकि यूरिन बन सके। ठीक है, तो उन सब में आपका कौन हेल्प करवा रहा है? माइक्रोविलाइज ही हेल्प करवा रहा है। ठीक है, तो वही उसमें बताया हुआ है माइक्रोविलाय का लोकेशन। और कोई डाउट, एनी मोर डाउट, फटाफट। नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथीलियम जो है आपका दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। क्या पढ़ा अभी हमने? सिंपल स्क्वामस
एपिथीलियम. सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम में वी स्टडीड कि सेल्स जो है दे विल बी हैविंग इररेगुलर बाउंड्रीज लाइक दिस, हैविंग न्यूक्लियस इन बिटवीन, वेरी थिन लेयर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. कहाँ कहाँ मिल रही थी हमको ये ट्रैक, ये ईसोफेगस के अंदर, ठीक है, साथ ही साथ हमको मिल रही थी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ के अंदर, साथ ही साथ हमको मिल रही थी एल्वियोलाई की लाइनिंग के ऊपर, ठीक है. तो इन सब जगहों पे हमको क्या मिल रही थी, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. अच्छा एक चीज रह गई, आप उसको ऐड कर लेना सिंपल स्क्वामस में, इस चीज को ऐड कर लेना. इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन में हेल्प करवाती है ये, क्योंकि बहुत पतली लेयर होती है तो आसानी से चीजें ना डिफ्यूज हो सकती है. तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिफ्यूजन. जैसे आपने पढ़ा कि एल्वियोलाई जो है जो लंग्स में होते हैं इनकी लाइनिंग पे होता है आपका सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. तो जो भी ब्लड आ रहा है इधर उसमें CO2 ज्यादा होती है, और ये जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है, और गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन आपको पता है. तो इस ब्लड में से हम इस CO2 को खींच के डाल देंगे एल्वियोलाई में, और इस एल्वियोलाई से इस ऑक्सीजन को खींच के डाल देंगे किसमें, ब्लड वेसल में. ये ब्लड वेसल उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट के पास ले जाएगी फिर, और वो जो CO2 होगा वो सारा हमने किसमें डाल दिया, एल्वियोलाई में. जब हम ब्रीद इन किए या जब हमने इनहेल किया, सांस अंदर ली, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन इधर आई और इधर से कहाँ पे डाल दी हमने, ब्लड वेसल में. जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो हमको बहुत सारा CO2 चाहिए लंग्स में, वो CO2 लंग्स में भर चुका है, अब वो CO2 ब्रीद आउट में हमारे लंग्स के थ्रू नोज के थ्रू बाहर जा चुका है, ठीक है. तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 का, ये डिफ्यूजन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज इस ब्लड वेसल की लेयर भी सिंपल स्क्वामस से बनी है, इस एल्वियोलाई की लेयर भी सिंपल स्क्वामस से बनी है, तभी पॉसिबल है. अगर कोई और टिश्यू का लेयर होता ना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत मोटा हो जाता, ठीक है. तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ये बहुत पढ़ेंगे, ये इस टॉपिक को रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे, सर्कुलेशन में भी पढ़ेंगे लास्ट टाइम, ठीक है. देन आता आपका सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम. अभी देखो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल मतलब क्या है, क्यूब लाइक ऐसा, ठीक है, दिस इज क्यूब लाइक. तो मतलब इस एपिथीलियल के जो सेल होंगे, इस एपिथीलियम के जो सेल्स होंगे दे विल बी क्यूब लाइक लाइक दिस, प्लस हैविंग न्यूक्लियस इन द सेंटर, प्लस ऑल विल बी रेस्टिंग अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट. न्यूक्लियस कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा. इनके फंक्शन क्या होता है इसका, सबसे बेसिक फंक्शन जो है क्यूबॉइडल एपिथीलियम का, दैट इज इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. तीनों में डिफरेंस है. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कोई चीज एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर लेना, दैट इज एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपने अंदर से बाहर को भेजना, ठीक है, कोई भी चीज अपने अंदर से बाहर को भेजना, दैट इज सिक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर से बाहर भेजना. सिक्रीशन तो फंक्शन हो गया इसका, सॉरी ये हाँ फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है. फंक्शन क्या क्या किया हमने, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. सिंपल स्क्वामस का क्या था फंक्शन, डिफ्यूजन में. हाँ जी बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो ट्राई करते हैं दोबारा से. तो क्या पढ़ा हमने कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम के तीन काम है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है. कहाँ कहाँ है अब ये, कहाँ कहाँ हमको मिलेगा ये देखते हैं, इसकी लोकेशन क्या है. एक तो आपके जितने ग्लैंड होते हैं, एनी ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड, वहां पे मिलेगा आपको. थायराइड ग्लैंड के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है. थायराइड ग्लैंड आपका नेक में प्रेजेंट होता है इस तरह से बटरफ्लाई शेप, ऐसा इस थायराइड ग्लैंड के आसपास मिलेगा आपको क्यूबॉइडल, ठीक है. साथ ही साथ आपका जो पैनक्रियाज होता है विच इज प्रेजेंट बिलो योर स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आपने पढ़ा होगा जिंदगी में कभी, तो उसमें इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक के नीचे, दैट इज पैनक्रियाज, ठीक है. उस पैनक्रियाज में भी आपको इस सेल की लेयर दिख जाएगी बड़ी आराम से, ठीक है. और बिकॉज सी
डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ऑब्वियसली डाइजेशन में हेल्प करवाएगा। ये स्टमक है, स्टमक के नीचे ये आ गया ड्यूओडेनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज पैनक्रियास। ठीक है, अभी इस पैनक्रियास को ना कुछ जूस सिक्रीट करवाना होता है विच इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। उस पैनक्रियाटिक जूस को फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। अभी जूस है तो मतलब कोई ना कोई सिक्रीशन है, और सिक्रीशन है तो कौन हेल्प करवा रहा है आपका? क्यूबॉइडल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड योर पैनक्रियास। पैनक्रियास में प्रेजेंट है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, साथ ही साथ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन में आपका सिंपल ये वो भी मिलेगा, नेफ्रॉन में आपको माइक्रोविलाए भी मिलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ नेफ्रॉन में आपको क्या मिल रहा है? ये क्यूबॉइडल, तो जो डिस्टल ये वाला जो पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, इसमें आपको मिल जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, इवन आपकी आईज के कुछ पार्ट में भी होता है क्यूबॉइडल, बिकॉज आईज में भी आपको सिक्रीशन चाहिए ना, टीयर्स वगैरह, ग्लैंड होते हैं, टीयर ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, तो उसमें भी सिक्रीशन की जरूरत है, तो वहां आईज में भी आपको फिर क्यूबॉइडल एपिथीलियम मिल जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अभी हमने पढ़ा दैट जो यूट्रस है, यूट्रस के साइड में ऐसे दो कान जैसा कुछ चीज होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओवरीज। ठीक है, उन ओवरीज में भी हमको बहुत सारी सिक्रीशन की जरूरत होती है, वो सिक्रीशन भी हमको कौन देता है? क्यूबॉइडल सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरीज। तो कहाँ कहाँ है ये देखो, पैनक्रियाज में है टू फॉर्म पैनक्रियाटिक जूस जो कि डाइजेशन में हेल्प करवाएगा, और कहाँ है? आपके जो ग्लैंड्स है ज्यादातर उनमें है, और कहाँ है? आपका जो नेफ्रॉन था उस नेफ्रॉन का जो ये वाला हिस्सा था इसमें थे, और कहाँ पे है? आपकी जो आईज थी उसमें थे। साथ ही साथ आपकी जो ओवरीज थी उन ओवरीज में भी थे कौन? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कई बार, जैसे ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ना, ये मॉडिफिकेशन शो करता है, और जब ये मॉडिफिकेशन शो करेंगे तो हमने देखा कि एपिथीलियम में देखो बस दो ही तरह की मॉडिफिकेशन होती थी, या तो होगा सीलिया या तो होगा आपका माइक्रो विलाय, आइदर सीलिया विल बी प्रेजेंट एज अ मॉडिफिकेशन, आइदर माइक्रोविलाय विल बी प्रेजेंट एज अ मॉडिफिकेशन। तो वही दो मॉडिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई हुई है, जहां ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम लिखा है मतलब उसके ऊपर क्या है? माइक्रोविलाय प्रेजेंट है इस तरह से। सो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम का मतलब क्यूबॉइडल एपिथीलियल के सेल्स आर हैविंग माइक्रोविलाय ओवर देम लाइक दिस, इस तरह से। दिस इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कहाँ मिलता है आपको ये? नेफ्रॉन का ये वाला जो भाग है यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा टाइप होता है सिलिएटेड। सिलिएटेड में क्या है? जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है दैट विल बी शोइंग सीलिया लाइक दिस। ठीक है, ये जो सीलिया है प्रेजेंट ऑन दिस क्यूबॉइडल एपिथीलियम का सेल, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो था ना पूरा, विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, आगे फर्दर, उन सब में भी आपको मिल जाएगा कौन सा? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। साथ ही साथ फेलोपियन ट्यूब में भी है। फेलोपियन ट्यूब में हमने क्या पढ़ा था? दैट सीलिया इज प्रेजेंट इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। अब सीलिया कहाँ प्रेजेंट था? एपिथीलियल सेल्स के ऊपर ही तो प्रेजेंट था ना, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सा एपिथीलियल सेल है? क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स हैविंग सीलिया ओवर देम लाइक दिस, इज दैट क्लियर? तो यहाँ यहाँ ये आपको मॉडिफिकेशन मिल जाती है, इस तरह से दिखता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। देख सकते हो आप एग्जैक्टली क्यूब जैसा है, और बिल्कुल सेंटर में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है सबके। अगर इसकी मॉडिफिकेशन है तो इसके ऊपर या तो आपको माइक्रोविलाय दिखेंगे या तो आपको इस तरह से सीलिया दिखेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, नीचे इसको जो ग्रे कलर की लाइन आपको दिख रही है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो आपको दिख रहा है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, वही चीज आपको यहाँ दिखा हुआ। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम में हमने दो मॉडिफिकेशन भी पढ़ ली। ठीक है, कौन सी मॉडिफिकेशन? या तो माइक्रोविलाय होगा या तो सीलिया होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथीलियम और उसकी दो मॉडिफिकेशन, ठीक है। अभी आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको मैं भेज दिया था लास्ट टाइम लेक्चर वन का, ठीक है। जो सेकंड लेक्चर का है जिसमें सिंपल क्यूबॉइडल है, वो मैं आज आपको भेज दूंगी। अपने नोट को पूरी तरह से कंप्लीट रखिए, ओके। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं है, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज पाइल अप मत करना, ऐसा मत सोचना कोई बात नहीं एक दो हफ्ते बाद बना लेंगे, पूरा पूरा पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। टिश्यूज बहुत बड़ा चैप्टर है, देखो बेटा एनिमल टिश्यूज तो बहुत ही बड़ा है, तो डोंट पाइल अप योर वर्क। जो दिया जा रहा है करते रहो साथ साथ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आस्क योर डाउट बेटा। कैली ओके, इफ यू वांट आस्क देन आई विल आस्क। हरि नारायण अनम्यूट योर सेल्फ। हरि नारायण 6997। आपको आवाज आ रही है ना आप लोग को मेरी, ऑडिबल टू यू और नॉट बेटा? आवाज आ रही है सबको, यस और नो? वॉइस इज कमिंग और नॉट? ओके चलो, पीयूष चौधरी अनम्यूट योर सेल्फ। पीयूष चौधरी अनम्यूट हो जाओ बेटा। पीयूष बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। क्या हो गया आपको, कुछ दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी लेक्चर इज ओवर, तो जो भी डाउट होंगे आपके व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम पे पता क्या होता है, हाँ जी आई नो रिजल्ट्स हैव कम। अच्छा कौन है फर्स्ट, कौन है, मैंने चेक नहीं किया अभी, हुज द टॉपर, टॉपर कौन है आपकी क्लास में? प्रतीक, गुड गुड। एंड सेकंड एंड थर्ड कौन है, सेकंड थर्ड कौन है? प्रतीक गुड, कीप इट अप, गुड। सेकंड थर्ड कौन है बेटा ये बताओ? चलो वैसे तो मैं खुद ही देख लूंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, फिर हम करेंगे आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए एपिथेलियम, फिर उसके बाद में हम बाकी करेंगे, क्योंकि बाकी बहुत बड़े बड़े हैं। कनेक्टिव टिश्यू बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा, कनेक्टिव टिश्यू इज लाइक अ चैप्टर ओनली, ठीक है। सो इट विल टेक टाइम। साहिल इज सेकेंड, आर्यन इज थर्ड, को ठीक है, आर्यन या अर्जुन, ओके चलो बढ़िया है, कीप इट अप। अरे रिजल्ट तो आते रहते हैं, बस मेहनत क्या करो, ऐसा भी सोचना होता हाँ ठीक है इस बार प्रतीक आ गया अब तो यही टॉपर आएगा, ठीक है। अपना पूरा ट्राई करो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखो अपने अंदर, ठीक है। जेलसी नहीं होनी चाहिए, बस एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है यार हम भी कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है, ठीक है। अपना मेहनत पूरी जारी रखो, ऐसा कुछ नहीं, सब तो टेस्ट वेस्ट तो चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू।